अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम बनाएंगे वेरी स्पेशल चिकन पुलाव, वो भी गार्ड सुप्रीम राइस के साथ। गार्ड की बेतहाशा ब्रांड मौजूद है आपकी बहुत ही करीबी सुपर। लेना है जनाब ऑयल या घी, क्वार्टर हाफ क्वार्टर कप के बराबर हमने ऑयल या घी। फ्लेम चूल्हे का सेट करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन दो दरमियानी प्याज। अब एक चीज का ख्याल रखिएगा, पुलाव में राइस वेरी स्पेशल होते हैं। प्याज के साथ ही हम शामिल करेंगे खड़ा गरम मसाला, जिसमें बेली में मेरे पास दो तीन अदद बड़ी वाली इलायची हैं, मोटी वाली काली इलायची जिसको कहते हैं तीन अदद, बादियान के फूल हैं तीन, और हरी इलायची है पांच से छह अदद। यहाँ पे शामिल करेंगे दारचीनी एक से डेढ़ इंच का टुकड़ा छोटे पीसेस में तोड़ा हुआ, आधी चाय की चमची लौंग और आधी चाय की चमची साबुत काली मिर्च, साबुत जीरा लगभग दो चाय की चमची के बराबर। अब ये जनाब कंप्लीट हुआ हमारा, थोड़ा सा प्याज को नरम करेंगे और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें चिकन विद बोन, तकरीबन तीन पाव से एक किलो तक आप ले सकते हैं। चंद लम्हों का इसको भूनना है और सबसे आसान खाना पुलाव बनाना है, और उस पर अगर भरोसेमंद गार्ड राइस हैं आपके पास तो फिर तो डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। चिकन जनाब मैं शामिल करूंगा लगभग चार मोटी हरी मिर्च, ताकि हमें खुशबू बहुत अच्छी मिले मिर्च के। और इसके साथ ही जनाब मेरे पास मौजूद है कुटी लाल मिर्च दो चाय की चमची, कुटी लाल मिर्च हमने ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। लीजिए जनाब चिकन हमारी, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे लगभग, हमारे पास गार्ड सुप्रीम बनस्पति राइस मौजूद है तकरीबन हाफ के जी के बराबर, तो उसके लिए हम पानी लेंगे डेढ़ से पौने दो गिलास, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें हम नमक शामिल करेंगे, बस ये जहन में रखते हुए कि इसमें हाफ के जी राइस शामिल होगा। इसको एक दफा मिक्स कर दें और हल्का सा ढक दें इसको, ताकि इस पर जल्दी से जोश आ जाए मजेदार सा। अच्छा जनाब जैसी ग्रेवी थोड़ी सी पकने लगे तो इसके अंदर एक टेबलस्पून अदरक और लहसुन मिला के ये हमने शामिल करना है। हमने अदरक लहसुन शुरू में शामिल नहीं करना, याद रखिएगा। ये जनाब हमारी मजेदार सी यखनी तैयार, और अब बारी है इसके अंदर गार्ड सुप्रीम वनस्पति शामिल करने की। बड़े मजे से थोड़ा सा राइस जैसी पकने लगे हमने चूल्हे की आंच स्लो कर देनी है, और दम देने से पहले एक आखिरी का काम करेंगे, वो है जायका मजेदार। जैसी राइस फूल के ऊपर आ जाए तो पानी के बुलबुले आपको नजर आएंगे, वहां हमने इसको फाइनल टच देके दम पर ले जाना है। लेकिन अगर कल अब ये पकना शुरू हो चुके तो अब मैं यहाँ पे चूल्हे की लो को स्लो कर रहा हूं, और बड़े मजे से धीमी आंच पे इसको हमने कुकिंग करनी है। आहिस्ता आहिस्ता राइस फूलता जाएगा, ऊपर आता जाएगा, पानी गायब होगा। 100 ग्राम के बराबर आलू बुखारे, और जनाब
दो से तीन टेबल स्पून नॉर्मल केवड़ा वाटर या जाफरानी केवड़ा वाटर, ये शामिल करके आपने जस्ट वन जरा सा इसको शेक कर देंगे। और जनाब इसको हम दे देते हैं दम पे एटलीस्ट 6 से 8 मिनट के लिए। यहाँ मैं चूल्हा इसको बंद कर देता हूँ और तैयारी करते हैं जनाब पुलाव को डिश आउट करने की। प्लेटर हमारे पास आ चुका है। चूल्हा बंद करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा चंद सेकंड, ताकि जो खुशबू है वो वापस बैठ जाए। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब आप गरम गरम पुलाव अपनी फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को, चिकन पुलाव, ये आप देख सकते हैं जनाब सुप्रीम राइस का मैजिक। एक एक दाना क्लियर और चिकन पुलाव आपका कि आपके मेहमान ये पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये कौन सा राइस है, क्योंकि असल चीज है राइस। राइस जितना अच्छी क्वालिटी का होगा आपका खाना उतना अच्छा बनेगा, मजेदार गार्ड राइस के जायके के साथ।